चलना तो हम 2-3 साल के उम्र में ही सीख लेते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए सदियां बीत जाती है कि कब चुप रहना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बोलने के ऊपर या वॉइस टोन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्या बोलना है, शब्दों का कलेक्शन कहाँ से लाएं, अच्छा वर्ड कैसे बनाएं, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं अपनी आवाज़, अपनी टोन को कैसे बेहतर बनाई जाए। देखो, तुम्हारी आवाज़ कैसे निकलेगी ये पूरा डिपेंड करता है कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम्हें कैसे लोग सुन रहे हैं। तुम्हारा मूड कैसा है, तुम अगर खुश हो तो तुम्हारा टोन मज़ेदार होगा, दुखी हो तो उसका अलग टोन निकलेगा, और अगर तुम परेशान हो तो उसका भी अलग टोन निकलेगा। टोन इस पर भी निर्भर करता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो तो बेबाकी से बात करते हो, तुम्हें नॉन स्टॉप वाला बिंदास टोन मिल जाता है। वही तुम अपने टीचर, गुरु, माता पिता से बात करते हो तो तुम्हारे टोन में अपने आप नरमी आ जाती है, वॉल्यूम भी मध्यम हो जाता है। तुम अगर किसी बच्चे से बात करते हो तो तुम्हारे टोन में प्यार भर जाएगा, अले मेला बेटा क्या हो गया तुम्हें, टोन में तोतलापन आ जाएगा। तुम्हारा टोन कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे लोगों से ज़्यादा बात करते हो, तुम कैसे आवाज़ सुनते हो। दिमाग बंदर जैसा होता है, वो हर चीज़ को कॉपी करता है, जो सुनता है उसे बोलकर देखने की कोशिश करता है। जैसे मूवी का डायलॉग तुम उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करते हो। तुम अगर अनपढ़ जाहिलों से रोज बात करते हो तो तुम्हारे टोन में भी वो जाहिलों वाला लहजा अपने आप आ जाएगा, और किसी अच्छे प्यारे बंदे से बात करते हो तो उसका भी बात करने का लहजा तुम्हें अपने आप आ जाएगा। साधु संतों के संगत में रहने वाले साधु संतों जैसी बात करते हैं, चोरों के साथ रहने वाले चोरों जैसे हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आवाज़ को इसलिए बेहतर बनाना चाहते हैं कि वो लड़कियों से बात कर सकें। अरे भाई, लड़कियों से बात करने के लिए तुम्हें आवाज़ बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके संगत में रहो, तुम्हारी आवाज़ में मिठास अपने आप आ जाएगी। इसीलिए तो संगत में रंगत वाली कहावत फेमस है, तुम्हारी संगत जैसी होगी उसका रंगत तुम्हारे आवाज़ में ज़रूर नज़र आएगा। अब खुद के आवाज़ को, खुद के टोन को बेहतर कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। देखो, बहुत अच्छा बोलने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों पर ध्यान देनी होगी, एक तो है आवाज़, दूसरा है टोन। तुम्हारा आवाज़ तुम्हारा यूनिक है, मैं आवाज़ बदलने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि तुम अपने टोन को बैलेंस करके अपने आवाज़ को मधुर बना सकते हो। टोन के बारे में देखते हैं, टोन के 16 पिच होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 4 पिच के बारे में बोलता हूँ, तुम्हें 16 पिच अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला पिच होता है मुँह से बोला गया, जो तुम चपड़ चपड़ बोलते हो। दूसरा है गले से बोला गया, तीसरा है छाती, और चौथा है पेट से बोला गया। मतलब अपने सांसों को मुंह, गला, छाती, पेट में रखकर बोलना। जैसे अपने सांसों को गले में थोड़ा सा दबाकर बोलकर देखो। तुम्हें अपने सांसों को गले या छाती में रखकर बोलना चाहिए, इससे आवाज़ मध्यम होता है, आवाज़ भी बढ़िया निकलती है। सबसे पहले तो पिच के ऊपर प्रैक्टिस करो, कोई भी एक डायलॉग लो और इसे मुँह, गला, छाती, पेट से बोलकर देखो। खुद की आवाज़ कैसे निकल रही है ये सुनने के लिए वॉइस को रिकॉर्ड करो और सुनो। अगर तुम किसी लड़की से सॉफ्टली बात करना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, या यूट्यूबर हो और अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो पिच की प्रैक्टिस बहुत काफ़ी होता है। बाकी अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो, हिप्नोटिज्म में माहिर होना चाहते हो, या ऐसा ही कुछ करना चाहते हो, तो इसके लिए अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए सुरों की सिद्धि करो। जैसे 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इसकी प्रैक्टिस करो। श्रुति बॉक्स डाउनलोड करो, या तंबूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें अपने आवाज़ को मिलाने की कोशिश करो। टोन को बेहतर बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करो, इससे तुम्हारी आवाज़ में वाइब्रेशन जुड़ने लगेगी। बोलने में वाइब्रेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साइकोलॉजिकल या मोटिवेशन ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।